आपको उनके पास होगी कुछ 3 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए। इन बच्चों के लिस्ट में से मैंने एक एक बच्चे का एग्जाम पूछा उनसे, एक एक बच्चे का। तो उन्होंने मुझे लिख के एग्जाम दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 14 बच्चों की मौत हुई है 47 लिख के दिया। जब मंत्री 4 बच्चों का कहता है, उस सारी मीडिया ने उस वार्ड को देखा है कि पूरा काला हो गया, बच्चों ने फोटो है अखबारों में ये कि जिसमें बच्चे का रंग काला हो गया, काला जो बच्चे की लाश है वो एकदम धुआं से भर गई। उसमें ये कहते हैं नेचुरल डेथ, अपने आप को ये बताता है कि ये पापी लोग बच्चों की हत्या के बाद अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरा ड्रामा आपको दे रहे हैं कि बच्चे के नाम समझ दे रहे, पूरा लिखा है कि हमें विभाग से सरकार से क्योंकि लिख के तो दिया नहीं, प्रेस ब्रीफिंग हुई नहीं, तो उन्होंने एक 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 बच्चे का रिकॉर्ड दिया। हम आपको अवेलेबल करा 14 बच्चों की मौत का उन्होंने स्वीकार की है नाम समय। सो मैं मानता हूं कि ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, कितना गुमराह करती है, कितना मध्य प्रदेश के आम जनता और मीडिया के आंखों में धूल झोंकती है। ये एक बार फिर इस पर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार क्यों मौत के आंकड़े छुपाती है। हर बात कोविड में आंकड़े छुपाए, कोरोना के बाद ऑक्सीजन की कमी में आंकड़े छुपाए, मौत क्या, क्या ये मुआवजे से डरना चाहती है या मुआवजा देने लायक नहीं बची है या झूठी मध्य प्रदेश की तस्वीर बनाना चाहती है। मेरा आरोप है, मतलब चोर बताना भी चाहते हैं कि हमने चोरी कैसे की, इसलिए जांच नहीं करवाएंगे, कराएंगे तो अपने विभाग के पीएस अपने आप में पाप है। मैं मानता हूं कि आप आज की घटना पहली नहीं और हॉस्पिटल में पहली नहीं है। 12 जुलाई 2018 छतरपुर में 23 बच्चे भर्ती थे, वहां आग लग गई थी। 23 मार्च 2016 वल्लभ भवन में आग लग गई थी, कई रिकॉर्ड चले गए, करप्शन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, शिवराज सिंह के नीचे नाम चले चले। 2015 में विल भवन में आग लग गई, 23 नवंबर 2017 को एम्बा इंदौर, 23 नवंबर 2017 को एम्बा इंदौर में 47 नवजात बच्चे भर्ती थे और 5 बच्चों की मौत हुई। ऐसी घटना सरकार की मौत ज्यादा हुई कम हुई कितनी हुई वो अलग है, आंकड़ों की मौत। मेरा मानना ऐसा है, ऐसे लंबे फेरे जांच की है इनकी, आपकी है, आपकी लगतों की है, धुरे की है, काली की है। अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, पूरे भोपाल के जितने ठेकेदार लगे नमाज काली को खोदने के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।